अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं इब्राहिम हैदरी के पास मौजूद हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री जो ना आपको इब्राहिम हैदरी की बताऊंगा। देखते हैं कि इब्राहिम हैदरी की जो हिस्ट्री है, जो असल कहानी है, वो क्या चीज़ है। कुरंगी रोड से अगर आए तो कुरंगी क्रीक के करीब जो है ना ये पड़ता है। एक माहीगिरों की कदीम बस्ती है ये, जिसे इब्राहिम हैदरी कहते हैं। ये जो बस्ती है फजाइया के अड्डे के बिल्कुल करीब है, और दो दरवेशों पीर इब्राहिम शाह और हैदर शाह के नाम से जो है ना ये मशहूर है। इन दोनों दरवेशों की जो कब्रें हैं वो फजाइया के अड्डे के अंदर मौजूद हैं। अब वो उसके अंदर मौजूद आ गई हैं, और यहाँ पर जो है ना फिशरी की जेटी भी है, और फिशिंग के जो है ना प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो आबादी है यहाँ की इब्राहिम हैदरी की, यहाँ का ये जो साहिल है ये इनका समझ लो माई बाप है। जो तारीखी रवायत हैं इनके मुताबिक सिकंदर आजम से पहले दाराए अव्वल ने 521 कबल मसीह में यूनानी सयाह स्काई लीक्स को हिंदुस्तान के हालात देखने के लिए भेजा। इसने जो कुछ बयान किया इसके मुताले से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि यह इलाका रेड़ी और केमाड़ी के बीच वाला इलाका था, जिसमें इब्राहिम हैदरी भी शामिल हैं। मौजूदा इब्राहिम हैदरी की बस्ती इस वक्त बसी जब सिंध पर टॉलपर ख़ानदान की हुक्मरानी थी। इस घाट को मौजू पाकर कुछ माहीगीर यहाँ आकर बस गए और यहीं के हो रहे। घर बने, घरों के आंगन बने, हर आंगन के सामने फैला हुआ वसी नीला समंदर, सफ़ेद रेत, किनारे पर खड़ी बादबानी कश्तियाँ, जाल बुनते माहीगीर, ये सब कुछ इब्राहिम हैदरी के दालान का हिस्सा बनता चला गया। माहीगीरों की इस बस्ती की अपनी सादगी और अपनी रिवायात थी, जिनका तस्करा शहर के माहीगीर भी करते तो इनकी आंखों में चमक आ जाती। अमूमन घराने आपस की सलाह से शादियां साथ रखते। सामान अरूसी की ख़रीदारी के लिए औरतें दो तीन बैलगाड़ियों पर ली मार्केट, जोड़िया बाज़ार और खारादर आतीं, और शाम गए जब लौटती तो गांव की मंडेर पर औरतें इनकी मुंतज़र होती। जैसे ही वो आती हुई बैलगाड़ियां नज़र आतीं, औरतें लोक गीत गाना शुरू कर देतीं और फिर दुल्हे दुल्हन के घर तक गाती ही चली जातीं। शादी की खुशी देख दमकते चेहरों और खनकते गलों से अयां होती। इस बस्ती के साफ सुथरे साहिल और इसकी चांदी की सी चमकती रेत ने फिल्म साजों को भी मुतासिर किया था। वहीद मुराद की मशहूर फिल्म समंदर की शूटिंग के लिए इब्राहिम हैदरी का साहिल प्राइम लोकेशन था। यहाँ के जहीन माहीगीर समंदर के मिजाज को समझने की फितरी सलाहियत के हामिल हैं। 2013 में बहरा अरब में बनने वाले एक समंदरी तूफान और इसके कराची की जानिब मुमकना रुख की खबर को पाकिस्तान के नौआमूज और तजारती मीडिया ने जिस तरह से उठाकर आसमान पर चढ़ाया, ऐसे में किसी चीन चैनल की मीडिया टीम इब्राहिम हैदरी गई और समंदर के किनारे इत्मीनान से बैठे जाल बुनने में मसरूफ माहीगीरों से पूछा कि वो आने वाले तूफान से खौफजदा हैं या नहीं। जवाबन एक माहीगीर ने कहा, तूफान का खतरा नहीं। मीडिया टीम का एक मेंबर कुछ ज़्यादा होशियारी दिखाकर कहने लगा, तुम लोगों को मालूम नहीं माहरीन ने कितने बड़े तूफान की पेशगोई की है। हुकूमत ने साहली इलाके खाली करने का हुक्म दिया है। इसके जवाब में माहीगीर सिर्फ एक जुमले में बात ख़त्म कर देता है, अच्छा बाबा जाओ ज़्यादा बात नहीं करो। चंद खानदानों की आबादी से आगाज करने वाली ये बस्ती, जिसकी इब्तदाई दिनों में आबादी सैकड़ों में थी, अब हज़ारों के मराहिल से गुजरकर 1,00,000 से भी बढ़ गई है।
समंदर के खूबसूरत किनारों पर अब जेटियां बन गई हैं। साहिल की सफ़ेद रेत और नीला पानी किस्साए पारीना बन चुके, बस काली कीचड़ वाली सयाह मिट्टी है और आलूदगी। ये थी एक छोटी सी इब्राहिम हैदरी की हिस्ट्री। उम्मीद है कि ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। कितना बड़ा है यार, ये दिखा दो, दिखा दो यार। क्या चीज भाई यार, माल ही ऐसा है ना। फिशर फोर्क वाला हूँ। काटेगा ये पहले, खुद बना लो। मेरा काट है।